हेलो दोस्तों, आज हम फिर से एक नई रेसिपी लेकर आए। ये है ब्रेड के कबाब। खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, बनाने में बहुत आसान है, सरल रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं। हमने यहाँ पे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। हरे धनिया को हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, काट लिया है। हरी मिर्ची को भी हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। प्याज को भी बारीक काट लिया है। पत्ता गोभी को भी बारीक काट लिया है। कड़ी पत्ते लिए थे उन्हें भी बारीक काट लिया है। और शिमला मिर्च को भी बारीक काट लिया है। यहाँ आप जो मनपसंद सब्जी, आप जो पसंद करते वो सब्जियों को ले सकते हैं। हमने यहाँ पर ब्रेड ले लिए हैं। ब्रेड को हम एक पानी में भिगो लेंगे। तो हम पहले एक बर्तन ले लेते हैं, उसी में हम पानी डाल देंगे। आप चाहें तो एक एक ब्रेड करके निचोड़ के अलग निकाल लें, या फिर सारी ब्रेडों को अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के इस तरह से पानी में सोक कर दें। ये देखिए, सारी ब्रेडों को आप इसी में डाल देना है, तो सारा ब्रेड सारा पानी सोख कर लेगी इस तरह से। इसके बाद हम इसे निचोड़ निचोड़ के निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने ब्रेडों के किनारे भी अलग नहीं किए हैं, किनारों के साथ भी हमने ब्रेड का इस्तेमाल करा है। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से पानी निचोड़ निचोड़ के इसमें से निकाल दिया है। इस तरह से आप हथेली के बीच में रख के निचोड़ लें और सारा पानी निकाल दें। तो ये इस तरह से ब्रेड जो हमने निचोड़ी है, इसको हम अलग निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारी ब्रेड को निचोड़ के रख लेते हैं। अब हम एक बर्तन में सारी ब्रेड ले लेंगे। इसी में हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, हरी मिर्ची, शिमला मिर्ची, पत्ता गोभी और कड़ी पत्ता और हरा धनिया, हम सारी चीज़ें इसमें मिला लेंगे। यहाँ आपको जो पसंद सब्जियाँ, जो भी आपकी पसंदीदा सब्जी आप डाल सकते हैं। पनीर भी डाल सकते हैं, चाहे तो आलू भी मैश करके डाल सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी है। अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पे पहले नमक डाल दिया, तो नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल दें। 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर है, 1 चम्मच जीरा पाउडर है, 2 चम्मच हमने यहाँ लाल मिर्च के डाले, तो ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। तो इससे बहुत कम तीखापन आएगा लेकिन कलर अच्छा आ जाएगा। इसके साथ में हम इसमें डाल देंगे हल्दी। तो यहाँ 1 छोटा चम्मच हल्दी है, 1 बड़ा चम्मच या तो आप पाव भाजी मसाला डाल दें या फिर आप कबाब मसाला डाल दें, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर है, 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर है, 1 चम्मच हमने गरम मसाला डाल दिया है और 2 चम्मच भर के हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। सिर्फ 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर जाएगा, उसको आप डाल के अच्छे से मिक्स कर दें। इसमें आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर ये मिक्स नहीं होता है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल लें, बहुत ज़्यादा आपको गीला नहीं करना। इस तरह का एक डो लगा कर तैयार कर लेना। ये देखिए, जो हाथ में चिपके नहीं, पहले हम हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। तेल लगा के आपको इसे कबाब के शेप में इसको सिलेंडर शेप में आपको इसे बना लेना है। जिस तरह के कबाब रहते हैं उसी तरह के शेप में आपको इसे बना लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे स्टिक भी लगा सकते हैं इसके बीच में, तो दिखने में भी अच्छा लगेगा, लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो ये अच्छे से सीख जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने सारे कबाब बना के रख लिए हैं और रवा ले लिया है। तो रवे में इसको इस तरह से आपको सिर्फ कोट कर लेना है। ये देखिए, रवे में आप इसे अच्छे कोट करके सारे कबाब को आप पहले रख लें। ये ब्रेड के कबाब है, बहुत अच्छे लगते हैं। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो हम एक कढ़ाई में तेल ले लिया है, बहुत कम तेल का इस्तेमाल किया आप देख रहे हैं। तो जब नीचे से अच्छा सा कलर आ जाएगा तब इसे हम चेंज कर पलट देंगे। ये देखिए, अच्छे से इसको अलट पलट करके आपको दोनों तरफ से इसको सेक लेना है ताकि अंदर से कच्चे नहीं रहें और अच्छे से सिक जाएं। तो इस तरह से हम कबाब को पलट पलट के सेक लेंगे, फ्राई कर लेंगे। ये कबाब अच्छे से बन के तैयार हो गए, हम निकाल लेते हैं इन्हें। ये देखिए, थोड़ा सा क्रैक आ गया है, तो अच्छे से बन गए हैं। हम सारे कबाब निकाल लेते हैं और आपको इसे मिंट मेयो के साथ में सर्व करना है। तो इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है मिंट मेयो के साथ में। मेयोनीज में आप सिंपल मिंट की चटनी मिला ले, पुदीने की चटनी, तो मिंट मेयो बन के तैयार रहते। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं और शेयर करें।